Welcome back to the channel, everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. If you guys are doing absolutely fine, then do smash that like button. Hit that subscribe button on the face. Because today's video, I'm actually going to start reacting to Ashish Chandani's new video, Gupt Gyan. So let's go and let's have an amazing happy day forward. By the way, if you haven't subscribed to my channel, make sure you do subscribe to my channel by clicking the bell. And also, don't forget to hit that like button. Like button. And yeah, let's go and let's have an amazing happy day forward. जाग जाओ माँ बाप, खोलो अपने कान, बच्चों को देना जरूरी है सेक्स एडुकेशन का ज्ञान। चाहे हो छोरा या हो कोई छोरी, इस ज्ञान के बिना उनकी जिंदगी है अधूरी। तो चाहिए और आज ही दीजिए अपने बच्चों को गुप्त ज्ञान। देख बेटा, अभी वक्त आ गया है। आपको कैंसर है? अरे नहीं जुला नहीं नहीं, मम्मी फिर से घर से निकाल रही है। अरे तो प्रॉपर्टी मेरे नाम पे करनी है। ऐसा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो तुझे करना है वो समझाने है। क्या मतलब? मुझे तुझ जैसी गलती एक और नहीं चाहिए जिंदगी में। देख बेटा मैं जो बताने वाला हूँ तुझे, जो चीज हमें करनी है, कैसे बताऊ मुझे समझ नहीं आ रहा है। शर्माओ मत, आपकी औलादू, बताओ बेटा। मर्डर देखिए, मर्डर। एक बात है आशीष चंचलानी बीबी की वाइंस की, हर एक कैरेक्टर मतलब एक नंबर निभाते, चाहे वो बीबी की वाइंस में बेंचो का हो, चाहे आशीष चंचलानी में बाप का हो, बेटे का हो, हर एक आदमी एक नंबर निभाते है। नहीं पापा, वो एडल्ट पिक्चर थी ना, थोड़ी देखी थी। वो गाना देखा था, बीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा, इसमें हीरो का दिल प्यासा क्यों है? क्योंकि पापा वो हीरो जो है ना, बेचारा बहुत गरीब था, उसके पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे, पूरी पिक्चर नंगा घूम रहा था। और तो और घर भी नहीं था पापा बेचारे, कभी बालकनी में सोते थे, कभी छत पे सोते थे। अब बताओ, ऐसी हालत में खाने पीने को पैसे नहीं होंगे तो पिएगा क्या पापा? इसलिए उसका दिल प्यासा था। अरे अनुराधा, तुम भी कुछ समझाओ या मैं ही समझाते रहूं? क्या बोल रहा हूँ? तुम भी कुछ समझाओ या मैं ही समझाते रहूं? भूल जा जो मैंने बोला। ये क्या? चार्जर। साइज जाने दे, इसका साइज छोटा है, उससे मैटर नहीं करता, टेक्निक मैटर करती है। तो अभी अगर इसे मैं इसमें घुसाऊंगा तो क्या होएगा? आवाज आएगी। कैसी आवाज आएगी? बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। अनुराधा कुछ नहीं, चाय मिलेगी। कोल्ड ड्रिंक की बोतल हिलाइए बेटा। हाँ पापा, हिल जाती है कभी गलती से। तो कुछ होता है? क्या होता है बेटा? कोल्ड ड्रिंक उड़ के बाहर आती है। ऐसे ही तुझ में से कुछ उड़ के बाहर आता है? हाँ पापा, होता है मेरे साथ। पहुंच रहे वहाँ पे। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। पापा एक्चुअली सुबह को ना, सुबह सुबह जब मैं बाथरूम में जाता हूँ ना, तभी सोचूं उठने से पहले हमेशा बाथरूम क्यों भागता है तू? पापा सुनो ना। ओके। जब मैं बैठता हूँ, ओके, मेरे अंदर से ओके उड़ के जज्बा बाहर आता है पापा की मैं पढ़ाई कर रही हूं, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। शादी के बाद क्या होता है? तलाक। इतना आगे कहाँ पहुंच गए भाई? तलाक के पहले क्या होता है? लफड़ा। लफड़े के पहले क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। अरे मिसअंडरस्टैंडिंग के पहले क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग, जो मिस होने वाली है। अरे मेरे साइकोलॉजिस्ट की औलाद, इतना सोचेगा तो कैसे काम चलेगा? मैंने अगर इतना सोचा होता तो तू ही नहीं होता आज। शादी के इमीडिएटली बाद क्या होता है? रिसेप्शन। रिसेप्शन में, रिसेप्शन के बाद क्या होता है? विदाई। मैं विदाई की नहीं, मैं जाने दे। विदाई के बाद क्या होता है? हिसाब किताब, किसने कितना खाया, फूफे ने कितना दारू पिया, कौन बदतमीज लिफाफा खाली देके गया। इन हिसाब किताब के बाद जब एक लड़का लड़की कमरे में बंद हो जाते हैं, तब क्या होता है? चिल्लाने की आवाज आती है। क्यों आती है? क्या पापा, अब ये बताने की कोशिश करो इतनी देर से, आप सीधा सीधा बोलो ना, मेरे को इसके बारे में अच्छे से पता है। थैंक गॉड तू समझा, मेरी हालत खराब हो गई बेटा समझा के। शादी के बाद लड़की मेरे साथ कमरे में अकेली है तो पापा चिल्लाएगी ना, और चिल्ला के रोएगी ना बेचारी। पापा अपने माँ बाप का घर छोड़ के दूसरे के घर में शादी करके आएगी, अपने माँ बाप की याद नहीं आएगी, अकेले मेरे साथ रूम में बैठेगी। अब भला जब मम्मी अपने मायके में जाती है आपको रोना नहीं आता है? अरे जब वो तेरी माँ मायके नहीं जाती है तब रोना आता है। हाँ ये बराबर सुनाई दिया तेरे को। हाँ आगे इसके बाद क्या होता है? इसके बाद किधर जाते हैं ना, घूमने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हनीमून। हनीमून पे क्या करते हैं? हनीमून पे तो एक ही चीज करते हैं पापा। हाँ
बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, हर जगह करते हैं, हर जगह दिल खोल के करते हैं। क्या करते हैं? खर्चा। पापा उधर पैसे की नहीं सोचते, उधर खर्चा कर सकते हैं ना अच्छे से। जब हम घूमने निकलते हैं उसके पहले हम हनीमून पे कहाँ रहते हैं? होटल। होटल होटल में क्या होता है? रूम। रूम में क्या होता है? बेड। बेड पे क्या होता है? चादर। चादर के नीचे क्या होता है? बेड। अरे तो बेड और चादर के बीच में क्या रहता है? मेरे को पता ही नहीं ना पापा, जैसे ही मैं वहाँ पे हाथ लगाता हूँ मम्मी चिल्लाती है अभी अभी बनाया साफ किया है, हाथ काहे को लगाता है, तो कैसे हाथ लगाऊंगा? मम्मी कहाँ से आई वहाँ पे? मम्मी मेरे साथ हनीमून पे नहीं चलेगी, इतना बाहर में अकेला जाऊंगा पापा, मैं कभी गया ही नहीं हूँ। तूने कभी प्रोटेक्शन के बारे में सुना है? प्रोटेक्शन? रबर, फुग्गा, रेनकोट, लेमिनेशन, हेलमेट, शो स्टॉपर, छोटे भाई की शेरवानी, बीबी का वीडियो नहीं देखा है क्या? तो जब तेरी माँ और मैं, मेरे को पता है आप और मम्मी क्या करते हो रूम में। क्या? उस दिन रात को ना मैंने झांक के सब देख लिया था। तूने सब देख लिया? मैंने देखा। क्या देखा तूने? मम्मी आपको लेटा लेटा के डंडों से ऐसा कुत्तों की तरह मार रही थी ना, मेरे को बहुत दुख हो रहा था देख के। बट मम्मी अच्छी है, आपको उसके बाद आयोडेक्स भी लगाया मम्मी ने। बेटा आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयोडेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट सेक्स। आप कह रहे थे मेरे को आपका बेटा भी बहुत शरीफ है, मैंने बताया मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उसका बिल्कुल खड़ा नहीं होता, किधर खड़ा नहीं होता किसी के लफड़े में, साइड में। क्या बोल रहा हूँ बेटा? सुन, बचपन में तेरे चाचे ने तेरा नाम प्यार से क्या रखा था? सागर। मलाड के आगे दादर है। हाँ। प्रोटेक्शन नहीं यूज करो तो बादर है। हाँ? और बूंद बूंद से बनता सागर है, अभी तो समझ क्या बोल रहा हूँ मैं। पापा आप कहना क्या चाहते हो इतनी देर से, आप क्या कहना चाहते हो? मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है पापा। देख अभी मैं सीधा बोलूंगा, शादी के बाद एक लड़का एक लड़की को अपना लॉक देता है, ओके, और लड़की बदले में अपनी छूट देती है। छूट? ताकि देर इज नो झूठ। क्या बोल रहा हूँ तेरी माँ की? क्या बोला? छूट की बात कर रहा हूँ मैं, तुमने बताया था ना इधर बाजू में मार्केट में 25% छूट लगी है, उसी माँ की छूट की बात कर रहा था मैं। देख बेटा अभी मेरे को जो तेरे को बात बोलनी है मैं तेरे को डायरेक्ट एक साथ में बोलने वाला हूँ, समझना पड़ेगा। ठीक है पापा बता। शादी के बाद हम मर्दों को एक लंबा सफर एक अंधेरी गुफा में घुस के तय करना पड़ता है। ये सफर तय करने के वक्त हमें अपने जोश पर काबू रखते हुए अपना आत्मसमर्पण करते हुए एक ऐसी परीक्षा देनी पड़ती है जिसका परिणाम एक ऐसी चरम सुख सीमा तक पहुंचाता है, वो सीमा हमें एक ऐसा फल देता है जो फल तुम्हारी तरह दिखता है। अब मैं इससे ज्यादा संभोग को संक्षेप तरीके से नहीं समझा सकता हूँ, तू समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? पापा आप क्या कह रहे हो, हिंदी में बोलो ना, ये कौन सी भाषा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा है। मेरे चुन्नी लाल तू जा, तू जा पोगो। पापा तू पोगो का प्रीमियम मेंबरशिप खरीद, तू जा, हम तब बात करेंगे जब तेरा तू बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तू जा। अरे तू बैठ, मैं जाता हूँ। ठीक है मैं जाता हूँ। अरे पापा, मेरे पापा कितने भोले हैं, मुझसे घपा गप की बातें कर रहे हैं और उनको लगता है मेरे को खुद आइडिया ही नहीं है। Naughty America. फॉरवर्ड करके मेन पार्ट देखना। यस पापा करता हूँ। Oh no. पापा वो मैं ने मेरा काटा, अभी देख तेरा क्या क्या जाता। तो सॉरी, मुझे लगा सच बताऊंगा तो लगेगा कड़वा, लेकिन तू तो निकला पैदाइशी भड़वा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। हमारा मेन मोटिव इस वीडियो के थ्रू था आप सबको सेक्स एजुकेशन के बारे में अवेयरनेस देना, वो भी कुछ फनी मोमेंट्स के थ्रू, सो हमने वो दिया। एंड समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई हैव टू टेल यू ऑल, कंसेंट इज अ मस्ट एंड इट्स वेरी नेसेसरी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हे गाइस, बिफोर आई स्टार्ट विद द ऑनेस्ट ओपिनियन, स्मैश दैट लाइक बटन, हिट दैट सब्सक्राइब बटन ऑन द फेस एंड लेट्स स्टार्ट। गाइस पहली बात तो मुझे वो अच्छी लगी कि ये वो सेकेंड लास्ट का दो पार्ट, तीन पार्ट और वो पहला पार्ट, पहला पार्ट वो पप्पा को रूम में जाते हैं और उसको वो बोलते हैं मेरे पप्पा कितने भोले हैं, वो घपागप की बातें कर रहे थे और उनको क्या लगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो
वो ये वो पहली बात, फिर उसके बाद फिर उसके बाद तूने मेरा काटा, अब देख तेरा क्या क्या जाता। ये सेकेंड पार्ट। और थर्ड एंड फाइनल पार्ट, मुझे लगा था कि तेरा तू तो होगा कड़वा, पर तू तो निकला पैदाइशी बड़वा। ये तीसरा पार्ट, मेरे को ये अच्छा लगा। आपका भी कोई सुझाव होता तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। लग रही इतना ही, पीस।